तो इफ कंडीशन में क्या होता है कि इसको हम कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंडीशनल ऑपरेटर भी कहते हैं, कंडीशनल लॉजिक भी कहते हैं, और इसे हम कहते हैं क्या हो गया इसको, ठीक है ना, और इसके अलावा डिसीजन मेकिंग पावर भी कहते हैं। ठीक है, अभी हम इसको सीख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, फिर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी सीखेंगे आप आगे चल के ना इसमें। अब मिसाल के तौर पे अगर हम यहाँ पर आएँ और यहाँ पर एक्सेल से कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं, कोई आंसर लेना चाह रहे हैं जो बेस्ड होगा किसी रिजल्ट के ऊपर, मिसाल के तौर पर हमने यहाँ पे लिखा कि वन और यहाँ पे लिखा टू, बोले ना ठीक है। अब डिसीजन मेकिंग पावर कैसे रखना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पे हम यहाँ कह रहे हैं कि जब हम यहाँ वन लिखें, ठीक है मैं आपको पहले समझा देता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ वन फॉर यस और टू फॉर नो। तो यहाँ पे जब मैं वन लिखूँ इस बॉक्स में, यहां पर जब मैं वन लिखूं तो यहां पे लिखा हुआ है यस, यहां पर टू लिखूं तो यहां पे लिखा है नो, ठीक है। तो ये कैसे होगा, पॉसिबल ही नहीं है भाई, मैं वन लिख रहा हूं यस आ रहा है, टू लिख रहा हूं नो आ रहा है। ओके, अब यहां पे दो चीज सीखनी है हमें कि इफ कंडीशन का सेंटेक्स क्या होता है। सेंटेक्स मतलब वे ऑफ या वे ऑफ राइटिंग कोड, ये कोड लिखने का तरीका क्या होगा। सबसे पहले आप यहां लिखेंगे इक्वल टू इफ स्टार्ट ब्रैकेट, ठीक है अगर आप ऐसे लिखते हैं ठीक है, वरना ये आपको यहां भी मिल जाएगा, ठीक है इसमें भी डिफाइन कर सकते हैं आप कि लॉजिकल टेस्ट और ट्रू और फॉल्स। लॉजिकल टेस्ट में कह रहा हूं कि इसको चेक करो किसके साथ, अगर इसकी वैल्यू इक्वल टू है किसके वन के, तो यहां पे लिखा हुआ है यस, और अगर ऐसा नहीं है तो यहां लिखा हुआ है नो, ओके कर दिया, क्या लिखा हुआ है वन लिखूंगा तो यस आए, अब टू लिखूं थ्री लिखूं फोर लिखूं यहां पे क्या ही आएगा यस आए। इट मींस के हमने एक नई चीज सीखी कि जो हम कोड सिंपल लिखते हैं इस पे इस तरीके से कि ये ऑलवेज सम करेगा, भले आप वैल्यू चेंज करते जाएं ऑलवेज इट परफॉर्म्स सम, जब ये सम परफॉर्म करेगा तो सम ही होता रहेगा, दूसरा ऑप्शन नहीं है। लेकिन यहां पर है जब वन लिख रहे हैं तो क्या आ रहा है यस, और टू लिख रहे तो आ रहा है अच्छा, इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम, थोड़ा सा और चेंज करते हैं फॉर्मूला लॉजिकल, ओके फॉर्मूला। अगर हम चाह रहे हैं कि यहां पर हम लिखें M तो लिखा है मेल, और अगर लिखें F तो लिखा है फीमेल, ठीक है तो इसमें भी यही करेंगे, यहां क्लिक किया आंसर का लेना, यहां पे कंडीशन अप्लाई करनी इस पर लॉजिकल इफ सेलेक्ट करो इस सेल को, अगर ये सेल बराबर है, अब चूंकि मुझे कैरेक्टर को चेक करना है तो मैं लिखूंगा डबल कोट में आपको समझाने के लिए कि यहां आंसर लेना है, ठीक है तो यहां डबल कोट लगाएंगे एम लिखें तो यहां पर आए लिखा हुआ मेल, और यहां पे लिखा हुआ है फीमेल, और क्या करेंगे ओके क्या लिखा रहा है, लेकिन अगर मैं एम लिखूंगा
तो क्या आएगा? वेल, अब यहां पे समझना है दो चीजों को, एक है स्ट्रिंग और एक है न्यूमेरिक इंटीजर। स्ट्रिंग मीन्स लेटर्स, कैरेक्टर्स, वर्ड्स, सेंटेंस, पैराग्राफ, व्हाटएवर। इंटीजर मीन्स नंबर्स। नंबर दो तरह के, डेसिमल, होल, कोई भी नंबर हो सकते हैं, फ्रैक्शन। दोबारा लिख दिया, ठीक है इसको। अच्छा ठीक, समझ में आ रही बात ये या नहीं समझ में आ रही है? क्लियर? आप यहां बैठ, वहां बैठने। अच्छा तो जाके अरेंज कर गया, ठीक है। समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो हो ये कहता है रूल, इंटीजर्स ऑलवेज राइट विदाउट कोटेशंस या कोट्स, स्ट्रिंग्स ऑलवेज राइट इन डबल कोट्स। ठीक है, मतलब नंबर हम डायरेक्ट लिखेंगे जबकि स्ट्रिंग्स को डबल कोट में इस तरह से लिखा जाएगा, जब भी हम उसको कंडीशन में डालेंगे या आंसर में डालेंगे। ठीक है, तो वन फॉर हो गया मेल, एम फॉर हो गया मेल, एफ फॉर हो गया फीमेल। तो आपने आंसर देखा कैसे आ रहा है। ठीक है, अब यहां पे आप अगर छोटा एम लिखेंगे तो क्या होगा, तब भी मेल आ रहा है। एफ लिखेंगे तो क्या हो रहा है, फीमेल आ रहा है। कुछ भी लिखेंगे तो यहां पे ये आंसर आ रहा है। तो यहां पे हमें पता चला कि आपका जो कोड है वो वन एक तरह की कंडीशन को चेक कर रहा होता है, सही है, और एड्रेस दे रहा होता है। अच्छा, इसी तरह से हम ये करते हैं, एक छोटा सा और इसमें ऑपरेशन करते हैं। पहले मैंने आपको यहां पे देखें एफ और यहां वन वन और टू पे टेस्टिंग करके बताई, कहां चला गया वो? पर हाँ, नंबर को कैसे कंपेयर किया हमने और फिर यहां पे कैरेक्टर को कैसे कंपेयर किया। अब यहां पे एक और देखते हैं, मिसाल के तौर पे अगर हम यहां पे लिखें फॉर एग्जांपल डू, तो यहां पर 100 लिख दे और उसके अलावा कुछ भी लिखें तो वो यहां पर 0 लिख दे। तो चलो चेक करते हैं इसको। यहां पे कहा हमने फॉर्मूला लॉजिकल टेस्ट इफ, इसको चेक करो, अगर यहां पर डबल कोटेशन में डू लिखा हुआ है तो अगर डू लिखे तो 100 लिखा हुआ आ जाए और अगर ना लिखे तो क्या लिखा हुआ आ जाए, क्या लिखा रहा है? अब आप जब डू लिखेंगे तो 100 आएगा, अगर आप यहां पे यस लिख रहे हैं, नो लिख रहे हैं तो क्या लिखा रहा है, नो। ये तीन एग्जांपल्स मैंने आपको पता है, यहां से शो फॉर्मूला कर लेते हैं इसको। तीन एग्जांपल में, पहली एग्जांपल में मैंने आपको कंपेयर करना बताया नंबर वैल्यू को और आंसर लिया स्ट्रिंग्स में, यानी कि ये कब परफॉर्म होगा, जब ट्रू होगा कंडीशन, और ये कब परफॉर्म होगा, जब फॉल्स होगी कंडीशन। दूसरे एक्सपेरिमेंट में मैंने आपको कंपेयर करना बताया स्ट्रिंग को, तो मैंने कहा कि जब स्ट्रिंग कंपेयर होगा और आंसर आएगा ट्रू में तो ये वाला कोड परफॉर्म होगा, अदरवाइज ये वाला कोड परफॉर्म होगा। मतलब कंपैरिजन इंटीजर था, आंसर स्ट्रिंग में था, कंपैरिजन स्ट्रिंग में था, आंसर भी स्ट्रिंग में था। तीसरे वाले में मैंने आपको कंपैरिजन बताया स्ट्रिंग का और आंसर लिया किस में, इंटीजर्स में, सही है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ओके, ऐसा भी कर सकते हैं, यहां पर हम थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं कोड को और मैं शो फार्मूला बंद कर लेता हूं। यहां पे वो वैल्यू लिखता हूं 55 और यहां पे लिखता हूं 66 या 10 लिख देता हूं, और हम यहां पे कहते हैं इसको, और एक आंसर क्या लेंगे, क्या हम कह रहे हैं इक्वल टू इफ स्टार्ट ब्रैकेट, चलो वहीं से करो, थोड़ा भी आसान वाला ट्रैक कर रहे हैं। इफ मैंने कहा भाई इसको चेक करो, अगर यहां पर लिखा हुआ हो डबल कोटेशन में प्लस, ठीक है सही है, कंपैरिजन क्या हो रहा है, इंटीजर को कंपेयर कर रहा हूं, स्ट्रिंग को कंपेयर कर रहा हूं, स्ट्रिंग को कर रहा हूं डबल कोट्स में, ठीक है। तो हमने कहा कि आपने यहां पे करना है क्या,
सम इसको इसके साथ, अगर प्लस ना लिखें तो क्या करें, फिर भी आपने करना है सम, और इसमें से माइनस करना है इसको, और क्या कर देना, ओके ओके। तो अब क्या लिख रहे हैं यहां पे, प्लस क्या किया हमने, प्लस हो गया मेरे प्लस। अब प्लस के अलावा कुछ भी लिख दें, सपोज माइनस लिख देते हैं, हो गए माइनस। तो तीसरे टेस्ट में हमने क्या किया कि हमने कहा कि अगर यहां पे कोई प्लस लिखता है इस जगह पे, इस सेल में, तो इन दोनों सेल को प्लस कर दें, और अगर नहीं करता तो इन दोनों सेल को आपस में क्या कर दें। तो इसका मतलब हम ये एक्शन भी परफॉर्म करा सकते हैं, बात समझ में आ रही है। अब तीसरा ऑपरेशन ये कर रहे हैं, इंटीजर को ही कंपेयर करेंगे और इंटीजर में ही रिजल्ट ले लेंगे। कैसे, मिसाल के तौर पे हम यहां पे कहते हैं कि अगर हम यहां पे लिखें जो भी नंबर, वही नंबर यहां रिफ्लेक्ट करें, बस यही जा रहे हैं। यहां पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक किया, हमने कहा जो भी इस यहां पे हम लिख रहे हैं इसको कंपेयर करें, इक्वल टू दिस सेल भी कर सकते हैं, अगर इस सेल की वैल्यू इस सेल के बराबर है तो इसी सेल का डेटा यहां पे दिखा दो, तो इसी सेल का रिफ्लेक्शन ले लें आप इसके ऊपर, और अदरवाइज इसमें क्या लिखा दो, नो। खैर, इस काम को एक दूसरा तरीका भी ये हो सकता है, सिंपली इसके इसकी जगह पे अगर हम इसको ऐसे करना चाह रहे थे तो इक्वल करके इस सेल को इसके बराबर कर देते, फिर जो इसमें लिखेंगे वो इस पर रिफ्लेक्ट भी होता जाएगा। लेकिन इफ की कंडीशन के साथ करके बताने का मकसद ये है आपको कि फॉर्मूले को ऐसे भी इंप्लीमेंट किया जा सकता है। तो देखिए क्या करा मैंने, क्या चेक करो अगर इस सेल ये सेल बराबर है इसी सेल के, तो इसी सेल की वैल्यू यहां पे दिखा दो, अदरवाइज क्या दिखा दो, नो तो कभी आएगा ही नहीं कि उसको बिटा दे, तो एक ही साइड पर रिजल्ट आता रहेगा। सही है, मुझे फिन को बैठाना है इसको, समझ में आ गई बात ये। तो इस तरह से हम डिफरेंट तरीके से इफ की कंडीशन को यूटिलाइज कर सकते हैं। अब आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करके समझ लें तो कल हम किसी शीट को डिजाइन कराएंगे आपसे इसी के मुताबिक, तो अब आपको कल अच्छे तरीके से समझ में आएगा।